हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो पर मैं आपको मूवी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप इसे एक फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन कह सकते हो और इसे एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन भी कह सकते हो। इसके अंदर दोस्तों आप एनिमेटेड फोटो क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग फोटो क्रिएट कर सकते हो, वो भी दोस्तों एनिमेटेड फोटो होगा। तो किस तरीके से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, तो वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक देखना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें मूवी एप्लीकेशन को ओपन करना है। एंड दोस्तों, मूवी एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप चाहो तो अपने मोबाइल फ़ोन की इंटरनेट कनेक्शन को ऑन कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप लोग इस कॉर्नर पर सिंपली स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना। एंड यहाँ से आपको अपनी एक पिक्चर को इनपुट कर लेना है, तो यहाँ से मैं एक पिक्चर को सिंपली इनपुट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सारे इमेजेस वगैरह दिखाई देगा, तो इनमें से कोई भी इमेजेस को सिलेक्ट कीजिएगा। एंड दोस्तों, इमेज सिलेक्ट करने के बाद इमेज पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इफेक्ट देखने के लिए आपको मिल रहा है। और यहाँ पर आपको दोस्तों एक नहीं, काफ़ी सारे आपको यहाँ पर इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, जिनको आप अपनी पिक्चर पर अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी अमेजिंग इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेगा, जिनको दोस्तों आप यूज़ करके अपनी एक नॉर्मल फोटो को एनिमेटेड फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो। और दोस्तों, आप इसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हो। बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से दोस्तों आप इसे वीडियो के रूप में सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो इफेक्ट देखने के लिए मिला है। जैसे कि इसके अलावा आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज इफेक्ट देखने के लिए मिला है, तो इनमें से जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगता है आप उसको अपनी पिक्चर पर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने पिक्चर पर एनिमेटेड इफेक्ट को अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको और एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि देख सकते हो इरेजर ऑप्शन, तो आपको सिंपली इरेजर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। बेसिकली दोस्तों, इरेजर की मदद से आप अपनी पिक्चर से एनिमेटेड हटा सकते हो। एंड सिर्फ आप अपनी बैकग्राउंड पर किसी भी इफेक्ट दोस्तों आप अपनी बैकग्राउंड पर डाल सकते हो, अपनी मॉडल के ऊपर से इस तरीके से उसको हटा देते हो इस तरीके से। तो दोस्तों, सिर्फ आपकी बैकग्राउंड पर एनिमेटेड इफेक्ट ऐड होगा, आपके मॉडल पर इफेक्ट ऐड नहीं होगा। तो इस तरीके से आप चाहो तो इसे रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली इसे रिमूव करके आप लोग को दिखा देता हूँ। एंड रिमूव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इरेजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इरेजर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो सिर्फ आपको बैकग्राउंड पर इफेक्ट देखने के लिए मिला है। और दोस्तों, आप चाहो तो सिर्फ मॉडल के ऊपर इफेक्ट को डाल सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इन्वर्टिक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इरेजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड जैसे कि देख सकते हो बैकग्राउंड पर आपको इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मॉडल के ऊपर ही आपको इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, हम अपनी मॉडल के ऊपर से इफेक्ट को हटा लेते, तो इस तरीके से इन्वर्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। एंड उसके बाद इरेजर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। एंड जैसे कि देख सकते हो बैकग्राउंड पर इफेक्ट चला गया है, मॉडल पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। और काफ़ी अच्छे अच्छे आपको यहाँ पर इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, जिनको आप बहुत ही इजीली अप्लाई कर सकते हो। और बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों, इसलिए इस एप्लीकेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं है। तो दोस्तों, है ना, ये काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन और काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकते हो एक वीडियो के रूप में, इसी पिक्चर को। तो इसके लिए दोस्तों आपको इस कॉर्नर पर सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एंड दोस्तों, डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप चाहो तो इसके एस्पेक्ट रेशियो को चूज कर सकते हो, जैसे कि 1:1, इसके अलावा 4:3, 3:4, 16:9। तो यहाँ पर मैं इसे 3:4 पर क्लिक करूंगा। एंड उसके बाद दोस्तों, यहां से आपको इसका जो क्वालिटी है तो इसको आपको इंक्रीज करके इसको लेके जाना है आपको 1080p में, जैसे कि देख सकते हो। एंड उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों, आपने जो एनिमेटेड पिक्चर क्रिएट किया वो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो रेंडरिंग होना स्टार्ट हो चुका है, एज यू कैन सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सच में ये वीडियोस अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो।